इधर 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 से मैडम। अरे आगे पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। दीपा आप लोग तो घुस रहे हो, चलो पीछे पीछे चलिए, बाहर कर लो, आइए 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 आइए, पीछे चलिए, हटो हटो यार, पहले ना अभी जब शॉट बना लिया, रुक जाइए। अरे क्यों नहीं किया, अनैतिक तरीके से वाल्मीकि नगर में पूछिए, अभी बाढ़ रहा है वाल्मीकि नगर। ये सारे सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है, ये इलेक्शन के समय हमेशा लेकर आते हैं। तो जो है वो सरकार आपकी है, सरकार बीजेपी की है, तो इतने टाइम में तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, यही कवायद चिंता नहीं है, बस पब्लिक को भ्रमित करने के लिए। अभी महागठबंधन जीत रही है, सारे सर्वेस यही दिखा रहे हैं, तो ये डर के बौखला के ये सारी चीज़ें ऐसे अफवाह फैला रहे हैं। इतने टाइम से सरकार है, इतने टाइम से ये कवायद चलती आ रही है, बोलते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या आप नहीं मानती कि उसमें जो हज़ारों एकड़ जो जमीन है लैंड डील में जो घोटाला हुआ, उसमें वाड्रा जी का हाथ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है। हम और आप कहने के लिए कौन है, ये तो जो सही इन्वेस्टिगेटिव टीम्स है, जो सही लोगों को कहना चाहिए, कोर्ट से आना चाहिए। तो हमारा कोई जजमेंट इलेक्शन टाइम पे देने के लिए तो कोई ठीक नहीं है ना। आप समझ सकते हैं कि इलेक्शन टाइम में अगर ऐसी सारी चीज़ें आती हैं तो क्यों आ रही, और इतने टाइम से 5 साल से अगर आपकी सरकार थी तो आप क्यों नहीं कुछ कर पाए उसके बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे काइंड ऑफ यू नो बेबुनियाद आरोप फैलाना इस टाइम पे और उसके ऊपर तांडव करना, उससे कोई मतलब नहीं बनता। महागठबंधन जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, इससे कितना नुकसान हुआ है कांग्रेस को? बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने माफ़ी किस लिए मांगी, उन्होंने माफ़ी ये मांगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कोर्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कहा कि चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मार्फत से मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को बरकरार रखता हूँ कि चौकीदार चोर है। पश्चिम बंगाल में मोदी जी ने ये कहा कि ये तो जो भी जो मोदी जी ममता जी के जो कार्डर हैं जिन्हें बना रखा है बंगाल से आए हुए, उनको एक तरह से रेड करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पहचान की जाएगी और जो बंगाल के लोगों को परेशान कर रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी, क्या आप कैसे देखते हैं? देखिए आज हम बिहार आए हैं और बिहार पे हमें सवाल करने चाहिए यहाँ पर। अच्छा मैडम, जो बदजुबानी चल रही है, अभी चुनावी महाभारत है, कोई किसी को दुर्योधन कर रहा है, कोई किसी को जला, अभी एक महिला है प्रियंका गांधी ने कहा कि वो दुर्योधन है, यहाँ राबड़ी देवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जल्लाद है, नाली का कीड़ा है लगातार। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दोष नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की और उनको ऐसी नीचे स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब हम नीचे स्तर की बोलते हैं तो जात पे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि ऐसे स्तर पे आके बोलना नहीं चाहिए जिसपे उन्होंने कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें उनको सुशोभित नहीं देता, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री, देश ने उनको चुना है। तो ये जब मंदिर कब्रिस्तान करते हैं, ये जब ऐसी टिप्पणियां करते हैं, ये जब श्रुपलखा उनको बुलाते हैं रेणुका चौधरी जी को, तो फिर किसी के बारे में क्या कहना, जब यही डिस्कोर्स को इतना नीचे गिरा रहे हैं, ला रहे हैं, तो फिर दूसरे पर क्यों दोष मढ़ रहे हैं? अच्छा आप बिहार आई हैं, इसी जो इलेक्शन कमीशन है, मोदी जी और अमित शाह जी जो रेगुलर फॉल्टर करते जा रहे हैं उस पे वो कुछ नहीं कहते, वो सिर्फ राहुल गांधी जी पे टिप्पणी करते हैं। हमने कोर्ट में, हमारी महिला अध्यक्ष ने भी कोर्ट में ये बात दी थी कि भाई इस पे इसी को ये बात लिख कर दी थी कि ऐसे ऐसे मौके पर ऐसी ऐसी बातें की गई हैं, पोलराइज किया गया है, ऐसी गलत बातें की गई, फिर भी उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। आप बिहार आई हैं, अभी क्या आपका कुछ प्रोग्राम है यहाँ पर, कहाँ कहाँ? हाँ, वाल्मीकि नगर में हमारा प्रोग्राम है और शाश्वत जी के लिए हम आए हैं, तो आज उधर कैंपेन करेंगे, सभा करेंगे। और इस चुनाव में लालू जी नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि लालू यादव रहते तो महागठबंधन की स्थिति दूसरी होती? महागठबंधन की स्थिति बहुत स्ट्रांग है और आप देखेंगे कि महागठबंधन ही सरकार बनाएगी जी, उसमें कोई दो राय नहीं। लालू यादव के नहीं रहने से कितना नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लालू यादव जी स्पिरिट में है और हम सब युवा नेता सब काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, हम सब हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लालू यादव जी की अनुपस्थिति महसूस होगी, क्योंकि वो अनुपस्थित रह के भी उपस्थित रहे। महागठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये मेरा
सोचना है, मेरा विश्वास है और मैं यही चाहती हूँ। चलिए चलिए धन्यवाद। काट जाएगा।